नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का बीते शनिवार को गुरुवार के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया, जिनका लखनऊ के पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो चलिए आइए नजर डालते हैं स्वर्गीय साधना गुप्ता से जुड़ी कुछ खास बातों पर। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन। साधना गुप्ता का गुरुग्राम में हुआ था निधन। बिधूना कस्बे की रहने वाली थी साधना। मिलनसार था साधना का व्यवहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। साधना गुप्ता की उम्र 62 साल थी और वो मुलायम सिंह से 20 साल छोटी थी। साधना गुप्ता औरैया जिले के बिधूना कस्बे की रहने वाली थी। साधना जब कभी बिधूना आया करती तभी इस क्षेत्र के विकास कार्यों को अपने पति मुलायम सिंह यादव से कहकर पूरा करवाती थी। यही वजह है कि आज पूरा बिधूना साधना के निधन पर मौन और शोकाकुल है। दरअसल औरैया जनपद बनने से पहले बिधूना इटावा क्षेत्र में आता था। साल 1980 में साधना समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी और पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी। इस बीच फरुखाबाद के रहने वाले व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से 4 जुलाई 1986 को साधना की पहली शादी हुई थी। करीब एक साल के बाद साधना और चंद्र प्रकाश में अनबन के चलते 1990 में उनका आधिकारिक तलाक हो गया था। उन्होंने 7 जुलाई 1987 को बेटे प्रतीक को जन्म दिया था। साल 2003 में जब मुलायम सिंह की पहली पत्नी का निधन हुआ तब उन्होंने औरैया जिले के बिधूना क्षेत्र की रहने वाली साधना गुप्ता को पत्नी का दर्जा दिया। इससे पहले साधना गुप्ता की मुलाकात मुलायम सिंह से 1980 में हुई थी। आज ये साधना गुप्ता की ही देन है जो औरैया का बिधूना क्षेत्र मुलायम परिवार का घर बना हुआ है। साधना की वजह से यहाँ विकास तो जरूर हुआ लेकिन आज भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ माना जाता है। बिधूना कस्बे की लोहा मंडी की रहने वाली साधना गुप्ता के बचपन के दोस्तों का कहना है कि साधना गुप्ता का यहाँ के लोगों के लिए व्यवहार मिलनसार था। उनका ज्यादातर जीवन इन्हीं गलियों में खेल कूद कर निकला है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह की पत्नी बनने के बाद भी उन्होंने बिधूना कस्बे में कई विकास कराए और अंत तक उन्होंने यहाँ के विकास का सोचा। फिलहाल साधना गुप्ता के निधन पर सभी शोकाकुल और गमगीन हैं। प्राइम टीवी साधना गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और सभी के दिलों में वो याद बनकर रहेंगी। साधना गुप्ता से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।